30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस। 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, टू व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स, साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 03192233822। सर, 22 जून 2024 से सुबह 4:30 बजे से करंट नहीं है और अब तक जो है 3 दिन हो गया, 3 दिन से ज़्यादा हो गया अब तक करंट नहीं आता है। वहाँ के रेसिडेंट्स जो है वो काफ़ी परेशान है, तो इसके बारे में आपको पार्टी का क्या स्टैंड है सर? पूरा अंडमान निकोबार में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का नेग्लिजेंस की वजह से कई जगह पे लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो है वो कंट्री में हाईएस्ट है, फिर भी हम लोगों को जो सर्विसेज मिलना है वो सर्विसेज नहीं मिल पाता है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसके बारे में क्या कहना है सर? और एक आइलैंड 2024 में भी 3 दिन के लिए उसमें पावर नहीं रहा, ये कहाँ तक सही है सर? क्योंकि पहले तो कांग्रेस का एमपी था, तो एमपी भी बीजेपी का है, तो आप लोग क्या एक्शन लेंगे सर? सबसे पहले इस ज्वलंत मुद्दे को उठाने के लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। पावर सप्लाई, जैसे कि आपने कहा कचाल, मैं आपसे सहमत हूँ कि ये पूरे द्वीपों में आज अगर कोई सबसे ज्वलंत मुद्दा है तो वो पावर सप्लाई का है। आपके माध्यम से हमारी पार्टी को कचाल की जो परिस्थिति है, पिछले 3 दिन से वहाँ पावर नहीं, वो पता चला मीडिया के माध्यम से। हम लोगों ने आज ये निर्णय लिया है कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ हमारी एक टीम माननीय मुख्य सचिव जी से और प्रधान सचिव विद्युत से भी हम मिलेंगे और इस विषय को हम बड़ी गंभीरता से लेंगे। और जहाँ तक सांसद का सवाल है, आपने देखा उन्होंने कल ही शपथ लिया और वो पूरे तन मन धन से द्वीपों के विकास के लिए ही डे वन से लगे हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है। कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया उस विषय का जवाब लोगों ने, जनता ने दे दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो सांसद हैं ना सिर्फ इस बिजली की समस्या को, द्वीपों की हर एक समस्या को वो हर एक प्लेटफॉर्म पे उठाएंगे और इसके समाधान करेंगे। और जहाँ तक ये कचाल वाला विषय है, हम आज इसको ज़रूर हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम मिल रहे हैं मुख्य सचिव से और इसका समाधान के लिए हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। सर, जैसे कचाल का अभी जो है 3 दिन से जो है वहाँ पर पावर कट्स, मतलब वहाँ पर एलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, पर सेम एलेक्ट्रिस सर यहाँ पर भी होते हैं, खास करके हमारे पोर्टलर इलाके में जो है दिन का 5 से 6 घंटा जो है यहाँ पर करंट नहीं रहता है, लेकिन जो मीटर का जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, बिल तो वही आता है सर जो पहले आता था। पहले जो पुराना मीटर में करीबन 200-300 रुपये अगर किसी का अगर आता था, अभी के हिसाब में वो कम से कम 2,000 रुपये या 2,500 रुपये आता है सर। इसमें आज हमारा तरुण कार्तिक जी ने हमें इन्फॉर्मेशन दिया, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि हमारा मीडिया आइलैंड का विकास का लिए हमेशा आगे रहे हैं। रोहित भाई भी बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें देखा जाएगा तो हम सभी कहीं ना कहीं इसमें तकलीफ उठा रहे हैं। कचाल का जो बात है, जो बात हमें पता चला, 4 जनरेटर वहाँ में था, 4 जनरेटर में 3 जनरेटर पहले ही खराब हो चुका था, 1 जनरेटर बाकी था वो भी खराब हो चुका। 22 तारीख से अभी तक कचाल अंधेरा में है, ये बहुत दुखद बात है। अभी हमारा वाइस प्रेसिडेंट माननीय मोहन विनोद जी ने जैसा कमिटमेंट किया है, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने का नाते आप मीडिया बंधुओं का माध्यम से मैं कचाल निवासियों को मैं ये कमिटमेंट करना चाहूँगा, ये आज ही प्रशासन से हम लोग मिलेंगे और इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। बहुत गंभीरता से हम लोग इसको विचार करके बात करेंगे। और रहा बात जो बाकी एरिया में जो लोड शेडिंग अभी भी चल रहा है, जो पावर कटिंग चल रहा है, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तो बारिश आ चुकी है, अभी बारिश का समय है, अभी धूप नहीं है। हमारा एमपी साहब भी इस दिशा में काम कर रहे हैं और हम लोग भी द्वीपों में जहाँ जहाँ में इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत हो रही है, लोगों को ठीक से बिजली प्राप्त नहीं हो रही है, इस विषय में मुख्य सचिव से बात करेंगे। हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कौंसल सेक्रेटरी है,
जो भी है उनसे भी बात करेंगे, बात करके इसको जल्द से जल्द एक अच्छा नतीजे में हम लोग आएंगे। धन्यवाद। एक सवाल है सर, सर ये आपने एलसीडी का तो आपने बता दिया, बट पिता आइलैंड में काफ़ी ऐसा जगह है सर जहाँ पर अगर एलसीडी जाएगी तो उसके बाद जो है वहाँ पर बीएसएनएल या एयरटेल जो है उसका बैकअप नहीं रहता है और नेटवर्क कम से कम एक या दो चोरी के बाद जो है आती है, तो इसमें आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं देखिए सर इतना खराब है, अगर कुछ एमरजेंसी हो जाए तो लोग जो है मतलब पुलिस से या एम्बुलेंस से मतलब हॉस्पिटल में कैसे संपर्क करेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये कदम तला से भी बार बार यही शिकायत हम लोगों को मिलती है कि जब करंट चले जाती है तो वहाँ पर इंटरनेट काम नहीं करती है, तो ऐसा बहुत जगह में ये समस्या भी है, तो इसको भी हम लोग आगे उठाएंगे ताकि जो जो जगह में ये समस्या हो रहा है, करंट चले जाने से कम मोबाइल काम करना चाहिए, नहीं तो लोगों को बहुत बड़ा समस्या का समाधान सम्मुखीन होना पड़ता, तो इसलिए ये विषय भी हम लोग आगे लेके जाएंगे और कुछ अच्छा ही होगा, बहुत जल्दी हम लोग कुछ अच्छा रिजल्ट आपको देंगे, इतना हम आपको कमिटमेंट करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।